सो गाइस, अब लिन मार्टिन जा रहा था सीधा सैन फेई के ऊपर हमला करने के लिए अपने एक पावरफुल टेक्निक को लेकर। और लिन मार्टिन के उन हमलों को रोकने के लिए सैन फेई अपने स्वॉर्ड की पावर्स को यूज कर रहा था। वो इतने सारे झटकों को कुछ ही देर में खत्म कर देता है, लेकिन तभी वो देखता है कि लिन मार्टिन अब अपने स्वॉर्ड को लेकर सीधा उसी की तरफ बढ़ते आ रहा है, जिनसे बचने के लिए सैन फेई को तक दूर हटना पड़ता है। वो भी अब समझ चुका था कि लिन मार्टिन उसके लिए खतरा है, इसीलिए वो लिन मार्टिन से कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। लिन मार्टिन कहता है कि यह तो समय समय की बात है, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ। सैन फेई कहता है कि बेशक तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा पावर है, जो कि तुम्हारे भविष्य में काफी ज्यादा काम में भी आएगी, लेकिन तुम अभी मेरे बारे में नहीं जानते, तुम चाहो तो हार मान सकते हो। और फिर वो यहाँ पर यूज करता है घोस्ट वॉक को, जिस टेक्निक को देखकर ताओ वेंचेंग भी दंग रह जाता है कि सैन फेई घोस्ट वॉक को तक करना जानता है। उसने काफी समय पहले ही इस चीज का कल्टिवेशन कर लिया होगा। सैन फेई अब घोस्ट वॉक करते हुए बाइचिन को मारने के लिए जा रहा था। ली ताओ ताओ वेंचेंग से कहता है कि मुझे लगता है कि इस बार अब लिन मार्टिन बच नहीं पाएगा। मार्टिन कहता है कि अब तुमने 2 सेक्स मूव्स को भी कंप्लीट कर लिया है, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन अब लिन मार्टिन को इससे खतरा भी हो गया था, क्योंकि ये घोस्ट वॉक बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है, जिसका सामना करने के लिए लिन मार्टिन को हर पल ही चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि इस टेक्निक में पता भी नहीं चलता कि तुम्हारे ऊपर कब हमला हो गया। वी सैन फेई लिन मार्टिन के ऊपर पीछे से वार करके उसकी स्वॉर्ड पर हमला करता है और दूर फेंक देता है। साथ ही वो मार्टिन को अपनी स्वॉर्ड से मारने की तक कोशिश करता है, लेकिन उसने जैसे तैसे करके खुद को इससे बचा लिया था, लेकिन वो सैन फेई के अगले हमले से खुद को नहीं बचा पाता और काफी ऊपर जाके नीचे गिरता है, जिससे कि रेड चिल्लाते हुए उसकी तरफ उसको बचाने के लिए भागती है। लेकिन रेड को उस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले सामना करना था ताओ वेंचेंग की टीम के एक बंदे का, क्योंकि वो उसके बीच में एक बाधा बन के खड़ा हुआ था, और इसी वजह से उन दोनों के बीच में यहाँ पर एक फाइट शुरू हो जाती है। तभी मौका पाकर मॉर्निंग कोशिश करती है कि वो यहाँ पर सैन फेई को हरा सके, इसीलिए वो उसके ऊपर अपनी पावर से हमला करती है, लेकिन सैन फेई को बचाने के लिए उसके दोनों ही भाई खड़े हुए थे, जो कि मॉर्निंग के पावर को अपनी पावर से रोक लेते हैं। साथ ही लिन मार्टिन की भी यहाँ पर काफी बुरी तरीके से पिटाई हो रही थी। मॉर्निंग जोर से चिल्ला रही थी कि रुक जाओ, ऐसा मत करो। लिन मार्टिन की बॉडी से काफी ज्यादा ऊर्जा बाहर निकलने लगती है और सैन फेई ने उसको काफी ऊपर तक भी फेंक दिया था, जहाँ पर वो उसके पास में पहुँच कर एक काफी तगड़ा वार करता है, जिससे कि मार्टिन पिटते हुए काफी ज्यादा कमजोर होते जा रहा था। मॉर्निंग देखती है कि लिन मार्टिन यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से नीचे गिरा है। साथ ही सैन फेई को भी ये लग रहा था कि उसने फाइनली लिन मार्टिन को हरा दिया, लेकिन जब हमें लिन मार्टिन को दिखाया जाता है तो अभी भी उसकी बॉडी से काफी ज्यादा ऊर्जा निकल रही थी, और इतना ज्यादा खतरनाक वार होने की वजह से भी उसकी बॉडी पर एक स्क्रैच तक नहीं आया था, मानो जैसे कि उसको किसी प्रोटेक्टिव शील्ड ने प्रोटेक्ट कर लिया हो। सैन फेई की स्वॉर्ड कोल्ड आयरन से बनी हुई थी, जिसका हमला कोई भी नॉर्मल प्यूपल सहन भी नहीं कर सकता। उसके वार से लिन मार्टिन को कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पर खड़े हुए लोग भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे कि इतनी ऊंचाई से गिरने पर और कोल्ड आयरन का वार होने की वजह से भी लिन मार्टिन की बॉडी में कहीं पर भी कट नहीं लगा और ना ही उसको कोई ब्लीडिंग हो रही थी। हर किसी के लिए ये एक बहुत ही चौंका देने वाली बात थी, लेकिन अब लिन मार्टिन तो ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे कि उसे कुछ हुआ भी ना हो। भले ही अभी शुरुआत में उसे थोड़ी सी कमजोरी महसूस होती है, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि ये किस मिट्टी का बना हुआ है, जो इसे एक स्क्रैच तक नहीं आया, बस मार्टिन को उसके मुंह से थोड़ा सा ब्लड निकलता है, यानी कि इसका मतलब ये था कि उसे कहीं ना कहीं पर इंजरी तो आई हुई थी। रेड और मॉर्निंग को तो यहाँ पर मार्टिन की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी कि वो ठीक भी है या नहीं। काफी सारे लोग मेरी तरह ये भी जानना चाहते थे कि अब इसके आगे क्या होगा, क्योंकि अब मार्टिन फिर से एकदम नॉर्मल हो चुका था। सैन फेई मार्टिन से कहता है कि तुम मुझे कोई बेकार बंदे तो नहीं लगते, फिर क्यों बेकार में अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो? हमारे साथ साथ ये दो लेडीज की भी जान खतरे में पड़ी हुई है, वैसे तुम ये जान लो कि मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, ना ही ये कोई मेरे प्लान में शामिल था कि मैं तुम जैसे लोगों से लड़ूंगा। मेरा एक सीधा साधा उद्देश्य था कि मुझे इस रेस को यानी कि इस कंपटीशन को जीतना है, लेकिन अब जब तुम ही हमारे काम के बीच में टांग अड़ा रहे हो तो हमें ऐसा करना पड़ा, इसीलिए तुम चाहो तो यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाओ और क्विट कर दो। तो मार्टिन कहता है कि तुम्हारा सोचना बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मैं ही इस रेस को जीतूंगा, और यहाँ पर ऐसा कोई भी सीक्रेट मेथड नहीं है जो कि मैं तुम्हें बताऊं, इसलिए आ जाओ और मुझे रोक कर दिखाओ अगर तुम ऐसा कर सको तो। क्योंकि मार्टिन दोबारा से अपने फॉर्म में आकर अपने स्वॉर्ड को उठा लेता है। मार्टिन हंसते हुए सोचता है कि सीक्रेट मेथड यानी कि ये मेरे सेल फोन के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन ये गधे इस बारे में नहीं जानते कि उसे मेरे अलावा और कोई भी नहीं देख सकता, तो फिर मैं कैसे ही उन्हें इसके बारे में बता पाऊंगा। सैन फेई कहता है कि अब बहुत हो चुका, अब या तो तुम रहोगे या फिर मैं रहूंगा। इसके बाद अब वो यहाँ पर अपने फायर स्वॉर्ड को एक्टिव करता है और उसके कई सारे वारों को करता है मार्टिन के ऊपर, लेकिन मार्टिन तो उन सभी वारों को आसानी के साथ में हैंडल कर लेता है, क्योंकि वो एक एक करके अपने स्वॉर्ड से सभी को रोक लेता है। सैन फेई के इतने ज्यादा वार करने का उसको कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि वो किसी भी तरीके से मार्टिन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। तभी वहाँ पर ताओ वेंचेंग ली ताओ से कहता है कि हमारे ब्रदर सैन
सैनफे जिस स्टार अलाउड को यूज कर रहे हैं वो अभी केवल वन स्टार लेवल पर ही है, इसीलिए वाइचिन उसका आसानी के साथ में सामना कर रहा है। फिनियो चाहे तो उसे अपनी और भी ज्यादा हैंड एनर्जी से बढ़ा सकता है। मिस्ट्री को केवल वही सुलझा सकता है जो कि इस बारे में जानता है। लीताओ कहता है कि अगर हमारे ब्रदर स्टार स्पॉट और घोस्ट स्टेप दोनों का कॉम्बिनेशन को यूज करें तो इसका सामना कर पाना वाइचिन के लिए नामुमकिन रहेगा। इसके आगे की फाइट स्टोरी लाइन को हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाया जाएगा, क्योंकि ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।